हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीन। यहाँ पर वुमेन नेशंस लीग का मैच हो रहा है स्वीडन वुमेन वर्सेस इटली वुमेन के बीच 11 बजे। एंड बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो बढ़ते हैं आगे। तो आपको मैं बता दूँ कि वुमेन लीग की सारी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक भी मैच गाइस मिस हो, क्योंकि एक मैच मिस होने का मतलब है हमारी एक विनिंग गई, सीधी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं इस टीम्स की। देखिए, स्वीडन टीम का रुतबा वो है जो अर्जेंटीना का मेंस लीग में है। जैसे कि स्वीडन टीम वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर एक पे है और मैन लीग में नंबर वन रैंक पे अर्जेंटीना, तो वो रुतबा है स्वीडन का। और इटली टीम जो वर्ल्ड रैंकिंग फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में 17th नंबर पे है, कहाँ एक और कहाँ 17, बहुत बड़ा फ़र्क है यहाँ पर। तो इसलिए स्वीडन को मैं यहाँ पे फेवर करूँगा। और स्वीडन का जो लास्ट मैच इटली के साथ हुआ था वो भी स्वीडन जीती थी, सेकेंड लास्ट मैच में बहुत तगड़े मार्जिन से जीती थी। और स्वीडन जितने लास्ट मैच खेल के आई है वो जीत के आई है, जबकि इटली टीम लास्ट के 2 मैच कंटिन्यू हारी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर स्वीडन टीम की फॉर्म और इटली की फॉर्म का कोई कंपैरिजन नहीं है, स्वीडन टीम बहुत आगे है। सबसे पहले मैं स्ट्राइकिंग की बात करूँ, देखिए एस ब्लैक्सटेनियस को लेना पड़ेगा भाई। डोमेस्टिक लीग के अंदर भले ही वो नहीं चल रही, कल को वो एक गोल कर जाती है आपकी बैंड बच जाएगी गाइस, क्योंकि ये इंटरनेशनल लीग है, इधर अंधे गोल हो जाते हैं कई बार। आपको पता है कि वुमेन लीग और मैन लीग में ज़मीन और आसमान का अंतर है। मैंस लीग में क्या होता है, मैंस लीग जो फुटबॉल है वो बहुत देख के खेला जाता है, लेकिन वुमेन लीग के अंदर गोल आने की क्षमता कभी भी पता नहीं होती। कई बार वुमेन लीग 0-0 से ड्रॉ होने का भी दम रखता है, और कई बार मैंने इनको देखा है वुमेन लीग के अंदर एक एक मैच में 10-10 गोल होते हुए देखे हुए हैं मैंने, वो भी इंटरनेशनल जैसे लेवल पर। तो आपको पता है, आप समझदार हैं कि क्या हो सकता है। ज़्यादा गोल तो नहीं होंगे इस मैच में, क्योंकि इटली टीम इनको करने नहीं देगी इतने, बाकी फिर भी हम अपनी तरफ से तैयारी करके आए। और इनकी और बात करें, देखिए स्वीडन की इन्होंने बहुत कमज़ोर सी कर दी इन्होंने स्ट्राइकिंग, क्योंकि एनवेगार्ड, मेरे को नहीं पता एनवेगार्ड कैसा खेल सकती है, क्योंकि एनवेगार्ड को मैंने कभी इंटरनेशनल में इतने गौर से देखा नहीं, तो मैं ऐसे जज नहीं करूंगा खिलाड़ी को। और अगली ये गिरेली, मैं गिरेली को लूंगा, और उनकी इटली की एक प्लेयर लूंगा दूसरी, जिसका नाम है वेलेंटीना। ठीक है, रिस्क लेने से बढ़िया है कि मैं सेफ जाऊँ जिसके मुझे नॉलेज है। और मिडफील्डिंग की बात करें, देन केया स्लानी, जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रही है, करती आई है। और सैगर को मैं नहीं ले रहा, सैगर कभी काम नहीं आई। सैगर को लेना है तो मैं कहूँगा कि आपके पास और अच्छी अच्छी ऑप्शन है, सैगर से बढ़िया तो आपको ये मिल जाएगी, क्या बोलते हैं, कहाँ गई अपनी एस जेकॉब्सन। ठीक है, और डिफेंडिंग सेक्शन में यहाँ पर लो सैमब्रेंट को, उसके बाद एम एरिक्सन के बाद जे एंडरसन भी चल सकती है, और एंडरसन के बाद आपके पास एक ऑप्शन ही बचती है जिसका नाम है एन बेजोन। ये आपकी प्लेयर डन हो गई। अब एक प्लेयर ऐसी होगी जो अननोन होगी स्वीडन की, और वो गेम में आपको दिखेगी, वो हो सकती है एना एनवेगार्ड। अगर इसको लेना हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि एनवेगार्ड को हो सकता है मैं लूँ, मेरे को 50-50% चांस है, 50% मुझे लग रहा है कि शायद मैं इसको लूँगा, क्योंकि एनवेगार्ड की फॉर्म अगर आई, या मैं कहता हूँ एनवेगार्ड फॉर्म में ना भी आई और अगर एक दो असिस्ट भी कर गई तो भी मैं उसको फॉर्म मान के इसको ले लूँगा, क्योंकि एनवेगार्ड का एक असिस्ट बहुत काम आएगा, एक असिस्ट सिर्फ। ठीक है, बाकी ये वुमेन लीग है, इधर डिफेंडर में बहुत जोर देना, यहाँ की डिफेंडिंग बहुत अलग होती है। मैंस लीग के अंदर डिफेंडर क्लीन शीट के बाद 45 पॉइंट दे दे तो मैक्सिमम बोलते हैं, लेकिन वुमेन लीग के अंदर इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने कई डिफेंडर 100-100 पॉइंट तक देखी हुई है इनकी। ठीक है, और अगली जो हमारी इटली की प्लेयर है वो है इटली की पहली प्लेयर एज अ मिडफील्डर बैरबरा। ठीक है, बैरबरा अच्छा खेलती है, लेकिन बैरबरा के बाद इनकी एक प्लेयर है जिसको मैं छोड़ते हुए थोड़ा डर सा लग रहा है, जो कि है एरियाना कैरियूसो। अब एरियाना को लेना होगा तो आपको यहाँ से जेकॉब्सन छोड़नी होगी, जो कि मैं नहीं चाहता, इसलिए आप मिडफील्डिंग सेक्शन में पहले इसको लो, इटली की गोलकीपर। बाकी एक एरियूसो का थोड़ा डर है मुझे, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, और मेरे को किसी का डर नहीं है, मुझे नहीं पता कि और क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे को जी ग्रेगी इतनी खास नहीं लगती। मुझे कैरियूसो अच्छी खिलाड़ी है, मतलब है, इसके अंदर दम है, इसके अंदर क्षमता है गोल गोल करने की, करती आई है गोल, तो लेनी हो तो ले सकते हो किसी की जगह। बात करें कप्तान की, देखिए मेरी जो कप्तान है वो बहुत, अगर मैं सोचूं अगर तो भाई एस ब्लैक्सटेनियस रखूँगा, अगर मैं उसके हिसाब से चलता हूँ अपनी टीम के, अगर मैं स्वीडन को फेवर करते हुए देखता हूँ। बाकी लोगों ने तो बी मतलब बैरबरा बोनन्सी को रखा हुआ है, मेरे को भी लालच होता या मुझे भी रिस्क ना लेना होता तो मैं भी रख लेता। आप बोलते यार तूने तो सिलेक्शन पे बेसिस पे टीम बना दी, जो कि मैं नहीं बनाता, इसलिए मैं ब्लैक्सटेनियस को लूँगा। वाइस कैप्टन आप या तो देखो असलानी को रखो या आप बोनन्सी, ये दोनों सेफ हैं। अगर अलग हटके खेलना है देन एरिक्सन, मैं हटके खेलूँगा तो मैं एरिक्सन के साथ जाऊँगा। ये मेरी टीम है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।